फाइनली गाइस इंडिया के अंदर सैमसंग M33 5G जो लॉन्च हो चुका है। अब मैं इसको इस वीडियो में जो आपको मैं फुल इसका लुक से लेकर रिव्यू से लेकर इसके स्पेक्स से लेकर सारा कुछ बताऊंगा, यहाँ तक कि इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा अदर फोन से लेकर इसके फोन से बोलो टक्कर देता है ये फोन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं इसका आपको जो लुक बता दूँ इस फोन का। तो पहले तो अगर इसके आउटर लुक की बात करें तो आउटर लुक जो डिज़ाइन है बहुत ही मतलब डिसेंट डिज़ाइन दिया है, फिनिशिंग है मतलब फ़ोन के ऊपर एक बढ़िया सी। एज में अगर आप राइट साइड में देखोगे तो राइट फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया है, थम फिंगरप्रिंट। और अगर आप कलर्स की बात करें तो कलर्स में लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू मिलता है जो बहुत ही कूल दिखता है कलर्स के मामले में। और इसकी बात करें तो पीछे सैमसंग का लोगो दिया गया है, पीछे चार कैमरा दिए गए और एक नीचे साइड में फ्लैश लाइट। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में ऑक्टा का प्रोसेसर है और GPU भी 128GB और 8GB रैम के साथ। कन्वर्सेशन सैमसंग का ऐसा कि बिल्कुल आप नॉइस कैंसिलेशन के साथ जो किसी भी के साथ फोन पे बात कर सकते हो। तो एक फ़ोन में बैटरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बैटरी जो इसकी 6000 mAh प्रोवाइड करी, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बैटरी है मतलब इसकी। तो पहले इसका जो प्रोसेसर रहता है, प्रोसेसर जो 5nm का है मतलब जो गेमिंग के लिए जो बेस्ट है प्रोसेसर। अगर आप ये फोन परचेस करते हो 20,000 के अंडर बेस्ट है फोन क्योंकि इसमें 5nm प्रोसेसर है। साथ ही साथ जो इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो आप, इसी के साथ साथ जो इसमें रैम है, अगर रैम इसमें जो है आपको इस फोन में जो आपको 128GB और 8GB रैम प्रोवाइड करी जाती है विद 16GB एक्सपांडेबल स्टोरेज के साथ। बैटरी 6000 mAh है और नॉइस कैंसिलेशन फीचर है। और इसी के साथ साथ जो आपको ये फोन में मेन बात है, जब आप गेमिंग करते हो इसके फोन में आपको जो कीपिंग इट कूल पावर कूल टेक्नोलॉजी का प्रोवाइड किया जाता है, इससे आप जितने भी मल्टीटास्किंग करो फिर गेमिंग करो ये फोन हीट नहीं होगा, इसके लिए जो दिया जाता है। साथ ही साथ 120Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो प्रोवाइड किया जाता है ये डिस्प्ले। और उसमें जो वाइड एंगल से आप देख सकते हो मतलब स्क्रीन को, वीडियो क्वालिटी 6.72 सेंटीमीटर की है, FHD+ डिस्प्ले और गोरिल्ला 5 ग्लास जो फ्रंट में लगा हुआ है इसके स्क्रैच रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ अगर इसकी बात कर ले सिम की तो इसमें 2 स्लॉट फोन में बेसिकली फोन्स में रहते हैं। इसमें एक मेन फीचर मज़ेदार फीचर क्या है सिम का, अगर आप एक सिम आपका अगर बंद पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे सिम पर शिफ्ट होकर अगर आपको कोई कॉल करेगा तो दूसरे सिम पर शिफ्ट हो जाएगा और उस सिम से जो है कॉल कर पाएगा वो पर्सन। साथ ही साथ जिस कैमरा की बात करें तो गाइस इसका मैक्रो कैमरा जो है 2 MP का है, इसका वाइड कैमरा जो है 5 MP का, मेन कैमरा 50 MP का है और डेप्थ कैमरा जो 2 MP प्रोवाइड किया है जो बहुत ही अच्छी बात है कैमरा के मामले में। सिक्योरिटी जो इसकी नॉक सिक्योरिटी है। और पर्सनलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें 4.1 UI दिया जाता है विद हार्ट फेल्ट चार्ट, मतलब अगर इसमें आप जो है कोई भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। इसमें साथ ही साथ जो इसमें ऑटो करेक्शन का एक फीचर है कीबोर्ड में, इसमें आप तो गाइस इसके अपडेट्स भी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है अगर जैसा देखा जाए तो। इसके साथ साथ जो आपको इसमें फेस कैम भी जो है, फेस अनलॉक कैम जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब में होते। साथ ही साथ 4K तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS तक। सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर सेंसर एंड गायरोस्कोप। सो इस फोन के जो कॉम्पिटिटर्स है ना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि जो ये फोन जो है ना 20,000 का फोन है और ये खुद जो रेडमी नोट 11 को टक्कर देता है जो 22,000 का फोन है, ठीक है, उस फोन को जो टक्कर दे देता है, यानी कि कॉम्पीट कर जाता है ये फोन और बहुत सारे अलग ब्रांड्स को जो ये टक्कर देते जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर सभी को, ठीक है। वीडियो जरा सी पसंद आई हो या फिर वीडियो जरा सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आप अगर मोबाइल के प्रोग्रेस से रिव्यूज वीडियो चाहते हो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, चैनल को अभी कभी जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।